दोस्तों, अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है और आप अपने 5G स्मार्टफोन में 5G इंटरनेट को एक्टिव कर लिए हैं और आपका फिर भी आपका जो इंटरनेट है कभी वो 4G तो कभी 5G चल रहा है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? देखिए दोस्तों, 5G फोन में अगर आप इंटरनेट को एक्टिव करते हैं, अगर 5G चलेगा तो अनलिमिटेड डेटा खर्च होगा। अगर आपके 5G फोन में 4G इंटरनेट चलेगा तो दोस्तों आपका जो भी प्लान होगा वह प्लान में से कटेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका प्लान 1.5 GB का है तो 1.5 GB प्लान में से कटने लगेगा। तो दोस्तों इससे प्रॉब्लम यही है कि आपके पास 5G फोन होते हुए भी कभी आपका इंटरनेट 4G पकड़ता है, कभी आपका इंटरनेट 5G पकड़ता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आखिर हम कैसे फिक्स आउट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी फोन 5G है और आपके फोन में कभी 5G, कभी 4G, कभी 5G, कभी 4G कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए हमारी इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, आपकी ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए फिक्स आउट हो जाएगी। तो दोस्तों वह कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे अपने फोन में फिक्स करना है, उसके लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि तो आइए दोस्तों इस वीडियो में बताते हैं कि क्या करना है। देखिए दोस्तों, तीन सेटिंग बताऊंगा, इन तीन सेटिंग को कर लीजिए, आपका जो ये 4G कभी 5G कभी 4G या कभी 5G कर रहा है वह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहला ट्रिक क्या है कि आपको आपकी फ़ोन की जो मेन सेटिंग है उस मेन सेटिंग पर आपको आना है। मेन सेटिंग कुछ इस प्रकार से आपकी दिखेगी। सबसे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर एक सिस्टम सेटिंग नाम की आपके फ़ोन में एक सेटिंग होगी। आपका अगर फ़ोन अगर कोई और कंपनी का होगा, जैसे मेरा फ़ोन तो वीवो का है, अगर दूसरी कंपनी का होगा तो सिस्टम सेटिंग थोड़ा ऊपर नीचे दिया होगा, लेकिन दिया होगा तो आपको इस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में यहां पर एक ऑप्शन होगा, रीसेट ऑप्शन। ध्यान से पहले बात को समझिए, इस रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ की एक सेटिंग होगी। तो दोस्तों आपको इसी को क्लिक करना है, बाकी किसी को क्लिक नहीं करना है। इधर जो ये सब रीसेट वाले ऑप्शन है ना, इनको छूना भी नहीं है, नहीं तो आपका मोबाइल का रीसेट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ रीसेट मोबाइल, रीसेट वाईफाई मोबाइल डेटा जो है ना, उसको आपको आपके मोबाइल के सेटिंग को रीसेट करना है। तो जब इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिम वन और सिम टू का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सिम वन और सिम टू आएगा। तो आप किस सिम से 5G चला रहे हैं उस सिम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रीसेट सेटिंग है, रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। आपका जो भी पिन लॉक होगा वह पिन लॉक वह मांगेगा, वह पिन लॉक आपको दे देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रीसेट सेटिंग कर देना है। जैसे दोस्तों वह रीसेट सेटिंग करेंगे, आपका फोन का नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने रीसेट किया यह 5G ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी यह पूरी अच्छी तरीके से यह सेटिंग नहीं हुई है, इस सेटिंग को अभी और करना है। अगर इसको आप चाहते हो कि बिल्कुल हमेशा के लिए फिक्स 5G करे, उसके लिए अब आपको यहां पर एक सेटिंग को करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी यह 5G था, अब यह 4G हो गया, तो अब यहां पर आप लोगों को दूसरी सेटिंग करनी है। दूसरी सेटिंग क्या करनी है कि इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, आपका जहां भी मोबाइल नेटवर्क होगा यानी कि इंटरनेट होगा, उसको इस तरीके से दबा कर रखना है। जब दबा के रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, सिम वन से चलाते हैं तो सिम वन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे नीचे जाइएगा तो आपको यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम का एक सेटिंग होगा, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर 4G सेट होगा। आपको बस यहां पर क्लिक करना है, नेम पे क्लिक करना है, जो ये 4G लिखा हुआ है यह दोस्तों आपको बस सिर्फ 5 और जी, बड़ा जी लिखकर आपको ओके कर देना है। इस तरीके से बैक होना है, यह आप जियो 5G में सेट हो जाएगा। अब देखिए आपका इंटरनेट कट गया लेकिन अभी भी यहाँ 4G आ रहा है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर एक मेन सेटिंग और करना है। मेन सेटिंग है दोस्तों, उसके लिए आपके फ़ोन में माई जियो एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आप जियो का सिम चलाते हैं तो माई जियो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे माई जियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपका जो भी प्लान होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका 239 या उससे ऊपर का प्लान होगा तो ही आपके फ़ोन में 5G हमेशा के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर जब आप एरो पे
पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब इस तरीके से क्लिक करते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ गेट स्टार्टेड है, इस पर आपको टैप कर देना है। दोस्तों जब इसके ऊपर में आप टैप कर देंगे तो अब इस तरीके से सर्चिंग होगा, जियो वेलकम ऑफर आपको मिला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, अगर आपका फ़ोन अपडेट है तब तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं है तो अपडेट नाउ पे क्लिक कर अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट है तो आई हैव अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आई हैव अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको कहता है कि हैंडसेट 5G सेटिंग, यानी कि 5G में कोई एक सेटिंग अभी आपने नहीं किया है, तो अब आपको यहाँ पे गो टू सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही गो टू सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेटिंग में ले जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिम वन पर क्लिक करना है। और इस तरीके से नीचे बढ़ेंगे तो प्रीफर्ड और नेटवर्क टाइप का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 4G पे सेट होगा, तो इसको 5G पे सेट कर देना है। जब 5G पे सेट कर देंगे तो यहाँ यह 5G देखिए चल पड़ा, लेकिन अभी आपकी ये सेटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब आपको करना क्या है कि 5G तो आपने पकड़ लिया, अब आपको अपने फ़ोन को इस तरीके से बंद करना है और बंद करने के बाद में आपको फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के करीब 2 मिनट तक, उसके बाद आपके फ़ोन को ऑन करना है। जैसे कि मैं अपने फ़ोन का पावर ऑफ यहाँ पे पहले कर देता हूँ। पावर ऑफ जब मैंने कर दिया, जैसे पावर ऑफ हो जाएगा तो 2 मिनट आपको ऑन नहीं करना है और 2 मिनट के बाद आपको अपने फ़ोन को ऑन करना है। तो दोस्तों आपको फ़ोन को कम से कम 2 मिनट के बाद ऑन करना है, तो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पर देखिए फ़ोन, यहाँ हमने अपने फ़ोन को ऑन कर दिया है। हम अपने फ़ोन को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, अपना पासवर्ड जो भी है हम यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों अपना जो भी सिम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों थोड़ी देर के अंदर में मेरा फ़ोन स्टार्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नेटवर्क पकड़ेगा दोस्तों, यह बिल्कुल 5G पकड़ेगा। अब यह 4G हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह सेटिंग इसके अंदर हो चुकी है, जिससे दोस्तों अब यह 4G पकड़ेगा ही नहीं। कितना भी नेटवर्क कमज़ोर पड़ेगा लेकिन यहां 5G ही पकड़ेगा। एक बार जैसे जैसे मैंने बताया वह सेटिंग आप अपने फोन में कर लीजिए, अब से आपका जो कभी 5G कभी 4G पकड़ता था वह प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को यही कुछ सेटिंग बता रहे थे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।